हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि नवंबर 2020 में वो 10 टू व्हीलर्स कौन से हैं जिसमें बाइक्स और स्कूटर दोनों शामिल हैं, वो सबसे ज्यादा बेची गई हैं। और यहाँ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पिछले साल नवंबर 2019 के मुकाबले इस साल इनके बाइक्स और स्कूटर्स के बिक्री में कितने परसेंट की बढ़ोतरी और कितने परसेंट की कमी देखी गई है। इसके अलावा यहाँ पे इन बाइक्स या स्कूटर्स से डिटेल जानकारी आपको मैं नहीं दूंगा, केवल मैं सेलिंग यूनिट्स के बारे में बताऊंगा, जिससे आपको ये पता चल सके नवंबर 2020 में वो 10 टू व्हीलर्स कौन से हैं जो सबसे ज्यादा बेची गई हैं और इंडियन मार्केट में लोग ज्यादा उसे खरीदना पसंद कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे इस लिस्ट में 10th नंबर पर बजाज प्लेटिना है, जिसका नवंबर 2020 में टोटल 41,572 यूनिट यानी कि 41,572 यूनिट बाइक्स की बिक्री हुई है। और इस बाइक की बिक्री में पिछले साल 2019 नवंबर के मुकाबले इस साल बिक्री में 22% की कमी देखी गई है। इस लिस्ट में 9th नंबर पर सुजुकी एक्सेस स्कूटर शामिल है, जिसका नवंबर 2020 में टोटल 45,582 यानी कि 45,582 यूनिट स्कूटर्स की बिक्री हुई है। इस बाइक की बिक्री में पिछले साल नवंबर 2019 के मुकाबले इस साल इसके बिक्री में 7% की कमी देखी गई है। तो इस लिस्ट में अगले नंबर पर हीरो पैशन है। इस बाइक की टोटल नवंबर 2020 में 53,768 यूनिट यानी कि 53,768 यूनिट बाइक्स की बिक्री हुई है। इसके बाइक की बिक्री में पिछले साल के मुकाबले इस साल नवंबर 2020 में 36% की बढ़ोतरी की गई है। हालांकि ये मॉडल उस समय नहीं बेचा जा रहा था जो इस समय BS6 में अपडेट है। इस लिस्ट में 7th नंबर पर TVS की एक स्कूटर TVS जुपिटर शामिल है, जिसका टोटल नवंबर 2020 में 62,626 यानी कि 62,626 यूनिट स्कूटर्स की बिक्री हुई है। इस बाइक की बिक्री में पिछले साल नवंबर 2019 के मुकाबले इस साल बिक्री में 53% की बढ़ोतरी हुई है। इस लिस्ट में 6th नंबर पर TVS XL है, जो कि एक मोपेड सेगमेंट में आती है। इस मोपेड की नवंबर 2020 में टोटल 70,750 यूनिट यानी कि 70,750 यूनिट मोपेड की बिक्री हुई है। इस मोपेड की बिक्री पिछले साल नवंबर 2019 के मुकाबले इस साल बिक्री में 23% ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। इस लिस्ट में 5th नंबर पर होंडा सीवी साइन है, जिसका नवंबर 2020 में टोटल 94,413 यानी कि 94,413 यूनिट बाइक्स की बिक्री हुई है। और इस बाइक की बिक्री में पिछले साल नवंबर 2019 के मुकाबले 26% बिक्री में ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। इस लिस्ट में 4th नंबर पर बजाज पल्सर है, इसमें कई सारे इसके वेरिएंट आते हैं। इस बाइक के टोटल नवंबर 2020 में 104,904 यूनिट यानी कि 104,904 यूनिट बाइक्स की बिक्री हुई है। और इस बाइक की बिक्री में पिछले साल के मुकाबले इस साल 54% की वृद्धि हुई है। इस लिस्ट में 3rd नंबर पर हीरो HF डिलक्स है, जिसका नवंबर 2020 में टोटल 179,426 यानी कि 179,426 यूनिट बाइक्स की बिक्री हुई है। और इस बाइक की बिक्री में पिछले साल नवंबर 2019 के मुकाबले इस साल 12% बिक्री में बढ़ोतरी हुई है। इस लिस्ट में 2nd नंबर पर होंडा की एक स्कूटर शामिल है, जिसे आप गेस भी कर सकते हैं। जी यहाँ पे होंडा एक्टिवा शामिल है, जो कि स्कूटर सेगमेंट में सबसे ज्यादा हर महीने बेची जाती है। इस स्कूटर की टोटल नवंबर 2020 में 225,822 यानी कि 225,822 यूनिट स्कूटर्स की बिक्री हुई है। और इस स्कूटर का बिक्री पिछले साल नवंबर 2019 के मुकाबले इस साल नवंबर में 6% की ज्यादा बिक्री में बढ़ोतरी हुई है। तो इस लिस्ट में हमेशा की तरह बाइक सेगमेंट में सबसे ज्यादा पॉपुलर बाइक, सबसे ज्यादा बेची जाने वाली बाइक हीरो स्प्लेंडर है, जिसका टोटल नवंबर 2020 में 248,398 यानी कि 248,398 यूनिट बाइक्स की बिक्री हुई है। इस बाइक की बिक्री पिछले साल नवंबर 2019 के मुकाबले 11% बिक्री में बढ़ोतरी हुई है। यहाँ पे होंडा एक्टिवा एक ऐसी स्कूटर है जो कि स्कूटर सेगमेंट में होने के बावजूद भी हीरो स्प्लेंडर बाइक सेगमेंट को टक्कर दे देती है सेलिंग्स के मामले में। तो इंडिया में स्कूटर सेगमेंट में एक्टिवा को ज्यादा पसंद किया जाता है, तो वहीं बाइक सेगमेंट में हीरो स्प्लेंडर को पसंद किया जाता है। तो यहाँ पे इस वीडियो में मैंने आपको 10 ऐसे टू व्हीलर्स के नाम बता दिए हैं जो कि नवंबर 2020 में सबसे ज्यादा बेची गई हैं और उनके सेलिंग यूनिट्स के बारे में बता दिया है। अगर आप किन्हीं भी स्कूटर्स या फिर बाइक्स के बारे में डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। इनके ऊपर ऑलरेडी वीडियोस बने हुए हैं, उनका लिंक मैं आपको दे दूंगा। इन बाइक्स या फिर स्कूटर्स में से कौन सा आपको पसंद है या फिर कौन सा आप यूज करते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ पे इस वीडियो में फिर इतना ही। उम्मीद करता वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।